देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी हुई निशानियाँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर की दूरी पर भोजपुर गांव के पहाड़ पर भगवान शिव का एक अधूरा मंदिर बना, जिसे भोजपुर का भोजेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। विश्व में प्रसिद्ध इस शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है, यह विश्व का सबसे बड़ा शिवालय है। यह भी कहा जाता है इस मंदिर का प्रवेश द्वार सारे हिंदू मंदिर से बड़ा है। इस मंदिर को दूर से देखने पर ही पता चल जाता है, इस मंदिर का शिखर ही नहीं है, यह भोजपुर मंदिर है। कहा जाता है अगर यह पूरा बन गया होता तो उस वक्त का ये सबसे बड़ा मंदिर होता। शायद इसलिए इसे सोमनाथ ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। सीढ़ियां चढ़ते ही हम 275 फीट लंबे और 80 फीट चौड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर का पता ग्रह में पहुंचने पर चलता है। ठीक सामने एक पत्थर से तराशा हुआ विशाल शिवलिंग नजर आता है। ये देश के सबसे बड़े शिवलिंग में से एक है। जिस चबूतरे पर यह शिवलिंग टिका है वो इतना ऊंचा है कि पुजारी को सीढ़ी लगाकर चढ़ना पड़ता है। इस मंदिर के खम्भों पर शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्म सावित्री और सीता राम को दिखाया गया है। यहाँ की दीवारें पत्थरों से कटी कटी सी हैं, जहाँ पर कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ है। इस विशालकाय मंदिर को बनाने की शुरुआत की थी परमार वंश के राजा भोज ने। 11वीं शताब्दी में अपने 50 साल के राज में उन्होंने बहुत से मंदिर और मूर्तियां बनवाई, लेकिन भोजपुर मंदिर के बनाने की कहानी बहुत दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार राजा भोज बहुत बीमार पड़े तो उन्हें सलाह दी गई उनकी बीमारी दूर होगी 9 नदियों और 19 तालाबों का पानी पीकर। इस काम के लिए राजा भोज ने बेतवा नदी पर एक बांध बनवाया, जिसमें बहुत सी छोटी नदियों और तालाबों को जोड़ दिया। इसी बांध का पानी पीकर राजा भोज ठीक हो गए। बस तभी उन्होंने तय किया कि वह दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर बनवाएंगे, लेकिन किसी वजह से यह मंदिर पूरा नहीं बन पाया। पुराने जमाने में ऊंचे मंदिरों को बनाने के लिए एक तरह की ढलान तैयार की जाती थी, जिस पर हाथी, घोड़े और मजदूर बड़ी बड़ी चट्टानों पत्थरों को खींचकर मंदिर के शीर्ष तक पहुंचाते थे। मंदिर पूरा हो जाने के बाद इस ढलान को तोड़ दिया जाता था, क्योंकि भोजपुर मंदिर पूरा बन ही नहीं पाया, इसलिए ढलान आज भी मौजूद है। ये मंदिर पूरा तो नहीं बन पाया, लेकिन ये अपने पीछे मंदिर निर्माण की विधि की झलक जरूर छोड़ गया। मंदिर के निर्माण के लिए ये जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि यहाँ निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर अब आसानी से उपलब्ध हैं। आज से हजारों साल पहले जब इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, तब उस समय के वास्तुकार ने एक नक्शा तैयार किया। बस इतना है कि वह नक्शा कागज या कंप्यूटर पर नहीं बल्कि पत्थरों पर बनाया गया था, जिसके निशान हमें आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। भोजपुर मंदिर से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ, पत्थर बिखरे पड़े हैं। ये 26 छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह है। कहा जाता है भोजपुर मंदिर का डिजाइन इन्हीं छोटे छोटे मंदिरों पर आधारित है, हालांकि अभी ये पूरी तरह से ध्वस्त है। इन्हें दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के कोने कोने में इतिहास यूं ही बिखरा पड़ा है। देश का दिल कहे जाने वाले इस इलाके ने सदियों से जुड़े ऐसे मंदिरों और कहानियों को अभी तक संभाल के रखा है। ये सिर्फ चट्टान और पत्थर नहीं, इन्हें खंडरों में हमारी विरासत बसती है। हेलो गाइस, मैं अनुजा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिसिंग अपडेट फ्रॉम अन्विका जोन।